हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल का अपेक्स। एंड कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है ये नेक्सॉन के बारे में होने वाली है। रिसेंट टाइम पे मैंने कुछ वीडियोस देखी थी नेक्सॉन की, एंड उसमें जो बातें बताई गई थी, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी, उनसे मैं पूरी तरह एग्री नहीं हूँ। बींग अ नेक्सॉन ऑनर, मैंने ये कार पर्सनली चलाई है एंड मुझे पता है कि इस कार में क्या पॉजिटिव्स एंड क्या नेगेटिव्स हैं। तो उन्हीं एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आज की वीडियो में आपको इस कार के सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव बताऊंगा। एंड उसके बाद आई होप जो लोग नेक्सॉन लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी क्लियर हो जाएगा डिसीजन लेना कि वो इस कार की तरफ जाए या ना जाए। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कार के इंजन के बारे में। मैंने एक रिसेंट वीडियो में देखा जहाँ पे बताया जा रहा था कि कार का इंजन थोड़ा अंडर पावर है। एंड बीइंग अ नेक्सॉन ऑनर, मैंने नेक्सॉन पर्सनली चलाई है, सारी कंडीशन में इसको टेस्ट किया है। मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि इसका इंजन आपको अंडर पावर फील होगा। कंपनी ने इसमें आपको तीन तीन मोड्स दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग पावर डिवाइडेड है। अगर आप इसको सिटी मोड पे चलाओगे तो कहीं से भी आपको अंडर पावर फील नहीं होने वाली, और स्पोर्ट्स मोड में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आप इको में ही चला रहे हो और आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कार आपको अच्छा पावर आउटपुट देगी, तो शायद आपको फील हो सकता है उस केस में कि कार अंडर पावर है। अदरवाइज आप इसको सिटी में चलाओ, स्पोर्ट्स में चलाओ, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ही हैं यार कंपनी ने आपको इस पे। आप उन मोड्स को यूज करो, आपको ये कार बिल्कुल भी अंडर पावर फील नहीं होगी। टर्बो इंजन आपको इसमें मिल रहा है, इस सेगमेंट में आपको होंडा ही टर्बो इंजन के साथ आती है, नेक्सॉन आपको टर्बो दे रही है। तो कहीं से भी आपको मुझे नहीं लगता कि अंडर पावर वाला फील होने वाला है इस इंजन के साथ। तो इस बात से तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि ये कार कहीं से भी अंडर पावर है। अगर इंजन की बात कर रहे हैं तो हाँ, मैं ज़रूर इस बात पे एग्री करता हूँ कि जो NVH लेवल है कार में वो अभी भी है। NVH लेवल आपको थोड़ा हाई मिलेगा। अगर आप देखोगे जो नॉइज एंड वाइब्रेशन है वो आपको बाहर ज़्यादा फील होगा कंपेयर टू कैबिन में। कैबिन काफ़ी हद तक साइलेंट है इसका। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कोई कार ले रहे हो या फर्स्ट टाइम आप कार लेने जा रहे हो, आपने कभी पहले फोर सिलेंडर कार नहीं चलाई है या किसी और ब्रांड की कार यूज़ नहीं करी है, उस केस में आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने वाला कि कार में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है। आपको नहीं फील होगा अगर आपने पहले कभी कोई ऐसी कार नहीं चलाई है, फोर सिलेंडर कार, तो आपको बिल्कुल फील नहीं होने वाला। उस केस में तो आप इसको बिल्कुल डेफिनेटली निगलेक्ट कर सकते हो इस इशू को कि इसमें NVH लेवल है। ऑल्दो NVH लेवल से अगर आपको ज़्यादा मैटर नहीं करता, अगर इतना बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम अगर आप ले रहे हो तो आपको वैसे भी इस चीज से पता नहीं चलेंगी, और अगर सेकंड टाइम भी अगर कोई कार बायर कर रहे हो और आपने पहले फोर सिलेंडर चलाई है और आपके लिए NVH लेवल इतना मैटर नहीं करता, तो डेफिनेटली आप इस कार की तरफ जा सकते हो। अच्छा प्रोडक्ट है ये टाटा का। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है कार के स्पेस को लेके। अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं और नॉर्मल बिल्ड के लोग हैं, तो उस केस में आप डेफिनेटली इस कार को कंसिडर करो। 5 लोग इसमें इजिली ट्रेवल कर सकते हो अगर आप नॉर्मल बिल्ड के हो। अगर आप वेल बिल्ड के इंसान हो तो उस केस में आपको थोड़ा हेडरूम से इशू आ सकता है, बिकॉज जो कार का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा कूपे टाइप है, थोड़ा सा स्लोप दिया गया पीछे, तो हेडरूम वाला इशू आपको फील हो सकता है। अदरवाइज थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, रिक्लाइन एंगल बहुत अच्छा है, सीट्स का कंफर्टेबल सीट्स हैं, और लॉन्ग जर्नी अगर आप करते हो तो आपको बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। एंड रही बात कार के सस्पेंशन की, तो कार की सस्पेंशन भी बहुत अच्छे ट्यून किए गए हैं। कितनी भी रोड कंडीशन, कैसी भी रोड कंडीशन ख़राब भी होगी तो भी आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होने वाला। बहुत अच्छे सस्पेंशन ट्यून है इस कार के। एंड मैंने पर्सनली भी इसमें लॉन्ग जर्नी करी है, ख़राब रास्तों में भी चलाया है इस कार को, तो बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। बहुत कंफर्टेबल राइड आपको इस कार में मिलती है। तो सस्पेंशन वाइज भी अगर आपकी प्रायोरिटी ऐसी है जिसमें आपको कम्फर्ट के साथ आप जाना चाहते हो, तो उस केस में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी कंफर्टेबल रहता है अगर आप इसमें ट्रैवल करते हो, लॉन्ग रूट्स में भी जाते हो तो भी काफ़ी कंफर्टेबल कार है ये। सस्पेंशन वाइज भी बहुत अच्छे सस्पेंशन ट्यून है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, एंड कई लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं, बट आपको ध्यान देना चाहिए, वो है आफ्टर सेल सर्विसेज के। आफ्टर सेल सर्विसेज अभी भी टाटा के साथ एक कंसर्न है। आफ्टर सेल सर्विसेज भी अभी भी इतनी अप टू द मार्क नहीं है। अगर बात करें सिटीज़ में कंडीशन फिर भी बहुत बेटर है, बट रूरल एरियाज़ में अभी भी आपको उतनी अप टू द मार्क सर्विस नहीं मिलेगी, एंड इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड टाटा इम्प्रूव कर भी रहा है, बट फिर भी कंपेयर टू अदर ब्रांड्स सर्विसेज में अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अगर आप एक ऐसी कार चाहते हो जिसमें आपको अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज मिले,
तो उस केस में भी आप इस कार को थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कार की रिलायबिलिटी से लेके। रिलायबिलिटी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है एंड कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं इस बारे में कि क्या टाटा की कार इतनी रिलायबल है कि हम उसे 15 साल यूज़ कर सकें। एंड इसका जवाब सही बताऊँ तो मेरे पास भी अभी नहीं है। रिलायबिलिटी अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। बात करें टाटा की तो टाटा धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लाकर आ रहा है, बट रिलायबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है वो जैसे जैसे हम इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे वैसे वैसे ये रिलायबिलिटी वाली चीज़ें हमें समझ आएंगे कि क्या ये सच में कार इतनी रिलायबल है। अदरवाइज़ मैं दो कार ऑलरेडी टाटा की यूज़ कर चुका हूँ गाइस, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को टाटा के अगेंस्ट में जा रहा हूँ या मेरे को टाटा के अगेंस्ट में कोई वो है, बट हाँ ये रिलायबिलिटी वाला क्वेश्चन अभी भी है। और अगर आप एक ऐसी कार चाहते हो जिसको आप 15 साल चलाना चाहते हो उस केस में मेरे अकॉर्डिंग आपको किसी और ब्रांड्स की तरफ जाना चाहिए जिसकी कार को हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, जो हमें पता है कि ये कार ज़्यादा रिलायबल्स है, तो आप उस ब्रांड की तरफ जा सकते हो। बट यहाँ रिलायबिलिटी वाला क्वेश्चन अभी भी है टाटा के साथ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा कंसिडर करना चाहिए, वो है रीसेल वैल्यू कार की। तो अगर मैं कंपेयर करूं टाटा के नेक्सॉन प्रोडक्ट को टाटा के बाकी प्रोडक्ट से, तो नेक्सॉन आपको टाटा के बाकी प्रोडक्ट से अच्छी रीसेल वैल्यू देता है, इसकी डिमांड अच्छी है मार्केट में। बट वहीं अगर मैं कंपेयर करूं टाटा के प्रोडक्ट्स को बाकी ब्रांड्स के साथ, जैसे कि मारुति होगी, हॉन्डा होगी, उस केस में आपको उतनी रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी इन कार्स की। अगर कंपेयर करें मारुति के साथ, मारुति की रीसेल वैल्यू अच्छी है, हॉन्डा की रीसेल वैल्यू अच्छी है, तो उतनी रीसेल वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपके माइंड में ये है कि आप 4-5 साल कार चलाते हो उसके बाद आप चेंज करते हो, तो उस केस में आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको ज़्यादा अच्छी रीसेल वैल्यू नहीं मिलने वाली अगर कंपेयर करें बाकी ब्रांड्स के साथ। तो एक रीसेल वाला पॉइंट है। माइलेज एक और पॉइंट है। अगर आपको चाहिए एक ऐसी कार कि आपको माइलेज आपके लिए बहुत मैटर करती है, आपको चाहिए कि मेरे को अच्छी माइलेज मिले, तो माइलेज भी आपको इस कार में थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है। माइलेज को लेके आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कार से। हाईवेज में आपको फिर भी ये अच्छी माइलेज निकाल के दे देगी, और डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग हैबिट कैसी है। अगर आप नॉर्मल स्पीड में कार चलाते हो, एक सर्टेन RPM तक रखते हो, तो उस केस में आपको एक हाईवे में अच्छा माइलेज निकाल के दे सकती है। बट सिटीज़ में वी ऑल नो कि दिल्ली जैसी, मेट्रो जैसी सिटीज़ में रोड कंडीशंस कैसी हैं, ट्रैफिक कंडीशंस कैसी हैं, उस केस में बम्बर टू बम्बर ट्रैफिक में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कार आपको 15-16 की माइलेज निकाल के दे देगी सिटी में 14 की, तो थोड़ा मुश्किल है। तो माइलेज का अगर मैं कंपेयर करूं बाकी ब्रांड्स के साथ, तो हो सकता है बाकी ब्रांड्स में आपको ज़्यादा अच्छी माइलेज मिल सके, तो माइलेज थोड़ा सा लोअर साइड ही रहेगा। और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसकी माइलेज अच्छी हो, तो उस केस में भी डेफिनेटली आप किसी और की तरफ जाइए, बिकॉज माइलेज में हो सकता है आप डिसअपॉइंटेड फील करें इस कार के साथ। तो गाइज़ ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे आप देख सकते हो कि अगर ये आपके रिक्वायरमेंट्स के मैच कर रही, तो आप डेफिनेटली इस कार की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी रिक्वायरमेंट्स के साथ ये कार मैच नहीं कर रही, उस केस में आपके पास और अदर ऑप्शंस भी हैं। तो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाई होगी और आपके डाउट्स क्लियर कर पाई होगी। अगर आपकी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो गाइस इस वीडियो में तो इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।